हेलो, वेलकम टू एनआरएमएस सेल्पर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 9। इससे पहले 8 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और 8 पार्ट में हमने अलग अलग क्वेश्चन और कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, आज हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा डिसोनेस्टी का। ठीक है, यानी बेईमानी, डिसोनेस्टी के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले हमारे एक दो क्वेश्चन जो बच गए थे उनको कवर कर लेते हैं और उसके बाद डिसोनेस्टी का क्या कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे उनमें या तो प्रॉफिट लॉस दिया होता था या डिस्काउंट अलग से दिया होता था। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट या फिर लॉस और डिस्काउंट का भी आपस में रिलेशन देके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके क्या चांसेस बनते हैं वो हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद डिसोनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो 12 जो 12 चीजें हैं, 12 चीजों का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी जितने में खरीदा इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया इनडायरेक्टली सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया। कितना? 3/4, क्योंकि 3 से 3, 3 से 4। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है कि व्हेन द डिस्काउंट व्हाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, और दूसरी चीज दी हमें कि 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट था इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ अर्न ऑन 5 आर्टिकल, तो वो किसके बराबर है? 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, यही हमें दिया है। तो पहली क्वेश्चन से तो हमें सीपी एसपी का रेशियो आ गया, यहाँ पे किसका आ गया? डिस्काउंट और प्रॉफिट का। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का हमारे पास क्या रेशियो आ गया? 1/2। तो यानी प्रॉफिट 2 का होगा तो डिस्काउंट 1 का होगा। तो अब हम सीपी, हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम सीपी पे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट किस पे? एमआरपी पे। तो हमें एमआरपी और चाहिए। ठीक है, तो सीपी और एसपी का तो रेशियो है, उसके साथ हमें किसका चाहिए? एमपी का रेशियो। ठीक है, तो ये कितना? 3, ये 4, इनके बीच का डिफरेंस 1, यानी 1 का प्रॉफिट, लेकिन हम मान लेते हैं हमारी आसानी के लिए 2 का प्रॉफिट। तो इसको अगर मैं 6 लिख लूं और इसको 8 लिख लूं, रेशियो सेम है, 3, 4 का ही रेशियो है ना। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का। अब प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट कितने का? 1 का। प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट 1 रुपए का। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे। तो एमआरपी कितने का? 9। तो इस पे डिस्काउंट कितना मिला था हमें? 1, जिससे 8 पे, और जो इसका कॉस्ट प्राइस था वो 6। तो सीपी यानी जितने में खरीदा, एसपी और एमपी तीनों का हमारे पास रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना था? 2 का, किस पे? 6 पे, गुणा में 100, यानी 33.33%, 33 से 1/3%। ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया हमसे। ठीक है, और उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना? 1 किस पे होता है? 9 पे, गुणा में 100। ये कितना आ गया हमारे पास? 11.11%, यानी 11 से 1/9%। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का माइनस पूछा है, तो 33.33 माइनस 11.11, तो हमारे पास आ गया 22.22%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी, सीपीएसपी का रेशियो हमें दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का हमें रेशियो दिया है। ठीक है, और सीपीएसपी का हमने ये प्रॉफिट का कितना? 2 मेंटेन कर लिया कि 2 का प्रॉफिट है तो 1 का डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस पे सीपी और एसपी पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, और हम एमपी पर क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं, तो उतना माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा हमारे पास एमपी, क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट और दोनों का डिफरेंस 22.22%। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसा ही। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज, तो इसमें वो ही दिया है कि 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। ठीक है, वाइल द डिस्काउंट, तो पहले तो सीपीएसपी का रेशियो फाइंड आउट कर लो, सीपी और एसपी का क्या रेशियो आ गया है यहाँ पे, ये पीछे वाला है। ठीक है, 3/4। ठीक है,
और एट आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है? डिस्काउंट ऑन एट आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन सिक्स आर्टिकल, तो छह आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो हमारे पास डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट क्या आ गया? 3/4। ठीक है, अब यहां पे प्रॉफिट कितना? 4 का, और यहां पे 3 से 4, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का? 1 का। सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशियो चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा फिर से वही गया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें सीपी और एमपी चाहिए। ठीक है, तो सीपी हमारे पास 3 है तो ये 4 है, लेकिन इस पे प्रॉफिट कितना है? 1 है। प्रॉफिट हमें कर देना है कितना? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 12 और 16। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 3 का डिस्काउंट है, अगर 4 का प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट हमने कितने का बना लिया? 4 का। ठीक है, तो 3 का क्या है? डिस्काउंट है, तो एमपी हमारे पास कितना आ गया? 19, क्योंकि 19 में से 3 जाएंगे तो 16। ठीक है, इतने में बिकेगा और खरीदा इतने में था, तो 4 का प्रॉफिट भी हो गया, 3 का डिस्काउंट भी हो गया, तो हमारे पास ये रेशियो भी मेंटेन हो गया इस इक्वेशन में, 12, 16 और 19 में, और ये इक्वेशन भी मेंटेन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सीपीएसपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया? 12:16:19। ठीक है, अब जैसा कि पीछे किया था वैसे ही करेंगे। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या? 4 का प्रॉफिट 12 पे गुणा में 100, तो ये कितना? 33.33%। ठीक है, और दूसरे या फिर 100/3%, ठीक है, जो भी है एक ही बात है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट और निकाल लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 3 का डिस्काउंट किस पे? 19 पे, क्योंकि हम आरपी पे काउंट करते हैं, इंटू 100, तो 300/19%। ठीक है, तो ये 100/3%, ये 300/19%, दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी आएगा 100/3 - 300/19, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको 100/3 - 300/19, तो 1900 - 900 और नीचे 57, तो यानी कितना आया? 1000/57%। ठीक है, इसको आप काउंट कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 17.5% आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का? 17.5%। तो आपको समझ आया होगा यहाँ पे सीपी और एसपी का जो हमारा था रिलेशन था, यहाँ पे एसपी और एमपी का हमने फाइंड आउट कर लिया इससे, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, तो 12 में 4 जोड़ दिए 16। ठीक है, और 3 का डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना एमपी कितना रहा होगा? 19। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट 3 का तो प्रॉफिट 4 का, तो प्रॉफिट 4 है, डिस्काउंट हमने 3 दिला दिया, तो 12, 16, 19 के आ गया सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट काउंट किया और उनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम डिसोनेस्टी की। ठीक है, तो डिसोनेस्टी पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो डिसोनेस्टी, जैसा कि हमें नाम से पता है, डिसोनेस्टी यानी बेईमानी करेगा। ठीक है, अब बेईमानी करेगा तो कैसे करेगा, किस में कर सकता है बेईमानी? या तो जितने में खरीदी है वो गलत बता दे, मतलब उस पे वो कुछ धोखा कर ले, या फिर किस पे कि जितनी चीज दे रहा है उसको कम दे दे, यानी क्वांटिटी पर धोखा कर दे, यानी जितनी मात्रा है उसमें धोखा कर दे, या तो या फिर जितने खरीदी है उसी प्राइस में धोखा कर दे। ठीक है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं कि या तो वो सीपी पर डिसोनेस्टी कर सकता है, या फिर जितनी उसकी मात्रा है उसको कम दे सकता है, या फिर हमें सीपी ज्यादा या कम बता सकता है। ठीक है, जो भी बोल सकता है वो। ठीक है, तो अब हमारे पास मेनली तीन केस बनते हैं यहाँ पे। पहला केस है कि आपको बोले कि, मतलब पहला केस क्या होगा कि इस पे भी बेईमानी करे, यानी यहां भी प्रॉफिट कमा ले कि 100 की चीज है उसको 120 में बेचे। ठीक है, और यहां भी प्रॉफिट कमा ले कि 1 किलो थी लेकिन 900 ग्राम दे दिया। तो देखो दोनों तरफ फायदा ले रहा है वो, कि यहां तो 100 की चीज थी वो तो 120 में दे रहा है, और यहां पे देनी तो 1 किलो थी लेकिन उसने 900 ग्राम दी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है कि यहां पे
उसको लॉस हो जाए, यानी यहां पे तो वो बोलते हैं कि मैं आपको कम में ही दे रहा हूं, 100 की चीज 80 में दे रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या करे कि वो 1 किलो की जगह आपको 600 ग्राम ही दे दे, मतलब कुल मिला के उसने घुमा फिरा के अपना बेनिफिट कर लिया, ठीक है। यानी आपको बोल तो क्या दिया कि भाई मैं तो अपने लॉस पे ही दे रहा हूं, ठीक है, मैं तो जितने में खरीदा था उससे भी कम में दे रहा हूं, लेकिन अपना फायदा बनाने के लिए उसने क्या किया कि आपको 1 किलो के धोखे में 600 ग्राम पकड़ा दिया, ठीक है, कुछ भी जैसे शुगर लेने गए आपको 600 ग्राम तोल के दे दिया, ठीक है, तो उसको तो 400 ग्राम वो बाकी था वो बच ही गया ना, ठीक है। तो एक केस हमारे पास ये बनता है कि दो केस बने, पहली बात तो यहां भी प्रॉफिट ले ले, यहां भी प्रॉफिट ले ले, दूसरी बात यहां लॉस ले ले, यहां प्रॉफिट था यहां भी प्रॉफिट, यहां लॉस खाए और यहां पे प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि इस सिचुएशन में वो नील है, ना तो प्रॉफिट ले रहा है और ना ही वो लॉस खा रहा है, यानी जितने में वो बोलता है कि मैंने तो जितने में खरीदी उतने में ही आपको दे दी, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करे फिर से कि 1 किलो की जगह आपको 800 ग्राम दे दे, घुमा फिरा के उसने अपना अपनी बेईमानी कर ही ली, तो मतलब क्वांटिटी में बेईमानी करे और साथ में जितने में खरीदा उसमें वो बेईमानी करे या ना करे, ये हमारे पास तीन केसेस इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। अब इन पर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो देखेंगे, थोड़ा सा हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो ये तीन केस समझ आए होंगे कि पहले तो क्रय मूल्य गलत बताए, यानी इस पे भी कमा ले और क्वांटिटी यानी मात्रा में भी कमा ले, दूसरा केस इसमें तो वो हानि खाए लेकिन इसमें कमा ले, तीसरी बात इस पे ना तो कमाए ना हानि खाए और इस पे वो कमा ले, ठीक है, तो क्वांटिटी में तो उसने गड़बड़ करनी है। अब अगर आप चौथा केस बोलोगे कि इसमें वो ना कमाए, अब अगर इसमें ही नहीं कमाएगा तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या रह जाएगा कि सीपी पे गड़बड़ कर रहा है ना, तो फिर तो वो गड़बड़ क्या हुई, या तो सीपी का सीपी पे बेच रहा है तो हमें सीधा पता है कोई प्रॉफिट नहीं, या फिर कुछ एसपी पे बेच रहा है तो हमें पता चल जाता है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही है, तो इसलिए इस केस को हम यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये तीन केस डिसऑनेस्टी के बनते हैं जिसमें वो अमाउंट में काफी गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। सो मेनली जो डिसऑनेस्टी है वो अमाउंट के आगे पीछे होती है, ठीक है, सो अमाउंट के अराउंड होती है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे डिसऑनेस्टी में वो कमा लेता है, ठीक है, तो हम ये केसेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या था, पहला केस है कि वो सीपी पे भी कमा रहा है और क्वांटिटी में भी कमा रहा है, ठीक है, ये था ना। अब देखो कैसे कमाएगा, 100 की चीज है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, कितनी 1 किलो, ठीक है, 100 रुपए की मान लो 100 ग्राम ही है, ठीक है, क्योंकि हमें फिर आसानी रहेगी, ठीक है, 100 रुपए की 100 ग्राम मान ली मैंने। अब क्या करता है वो कि इसको तो क्या, इस पे तो क्या कर लेता है, इस पे वो क्या करता है, इस पे मान लो कुछ प्रॉफिट ले लेता है, यानी 100 की चीज वो 110 में बेच देता है, ठीक है, 100 की चीज वो 110 में बेचता है, मान लिया उसने बोला कि मैं इस पे 10% प्रॉफिट ले रहा हूं, लेकिन अब क्या करता है कि वो 100 ग्राम नहीं देता, 90 ग्राम दे देता है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट, उसके लिए तो दोनों तरफ से फायदा हुआ ना, कि क्या किया उसने कि 90 ग्राम 110 में बेच दिया, वैसे तो 100 ग्राम 100 रुपए का था, ठीक है, अब 90 ग्राम ही उसने 110 का बेच दिया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसको, यानी 10 यहाँ पे तो 10 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है और यहाँ पे 10 रुपए का, यानी यहाँ भी वो एक तरह से 10% कमा ले रहा है और यहाँ भी 10% क्वांटिटी से, तो अब रिजल्टेंट जो उनका होगा वो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा देंगे, ठीक है। केस टू मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो गड़बड़ कैसे करता है, ठीक है। दूसरा केस है कि इसको तो वो बोल दे कि मैं 100 की चीज आपको 80 में दे रहा हूं और यहां क्या करे कि 100 की जगह आपको 80 चीज दे दे, ठीक है, तो एक केस ये हो गया। तीसरा केस हमारे पास क्या हुआ, तीसरा केस हमारे पास कि वो बोलता है कि 100 की चीज मैं आपको 100 में दे रहा हूं और यहां क्या करे 100 ग्राम की जगह आपको 50 ग्राम दे दे, ठीक है। तो ये सब हमारे पास केसेस बनते हैं और इन पे जो क्वेश्चंस बनेंगे अब
उनको हम अच्छे से कवर करेंगे और आपको और भी समझ आएगा, ठीक है। इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो जरा देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वाइज। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट। तो राइस है उसको 100 से कितने में बेच देता है, 110, यानी उसने सीपी पे तो कमा लिया। उसके बाद बोलता है कि आल्सो यूजेस वेट विच इज 20% लेस देन द ओरिजिनल। तो यानी मान लो 100 की 100 ग्राम ही थी, ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट रेट पता चल जाएगा, यानी एक रुपए का एक ग्राम है। तो यानी अब क्या करता है वो कि वेट कम करने की वजह से वो चीज कितने की देता है, 80 की देता है, यानी उसने दिया कितने का, 80 का, ठीक है। यानी वो 100 रुपए के हिसाब से पहले ही क्या कर लेता है कि 110 की बेचूंगा मैं वो, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि वो 100 का बोल के उसको 80 चीजें देता है, ठीक है। तो उसने कितना बचा लिया इसमें, उसने कितना बचा लिया, 30। कैसे बचा लिया देखो 30 ग्राम का रेट उसने बचा लिया, या फिर आप बोल दो 30 रुपए बचा लिए। देखो 80 रुपए का सामान दे दिया भाई, 20% तो उसने बेईमानी कर ली, ठीक है। तो 80 रुपए का सामान दे दिया और 110 में दे दिया। तो यानी हमारे पास जो डिसोनेस्टी का सीधा फॉर्मूला होता है कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होता है, तो वो देखो सेव जितना उसने बचाया अपॉन गिव, यानी जितना उसने दिया इनटू 100। क्योंकि अब हमारे पास सीपी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना भाई, चीज तो 80 की दी है ना, और फायदा कितने का ले रहा है वो, 80 की चीज वो 110 में दे रहा है घुमा फिरा के। क्या बात हुई कि 100 की चीज वो 110 में बेच रहा है लेकिन दे देता है 80। तो घूम फिर के बात क्या हुई कि 80 की चीज ही वो 110 में दे रहा है, ठीक है। तो यानी 80 पर ही वो कितना कमा रहा है, 30। तो ये कितना बचा लिया उसने घुमा फिरा के, 30। तो सेव अपॉन गिव, यानी दिया कितना, 80। तो वो हमारे पास क्या है, 80, ठीक है, इनटू 100। तो हमारे पास जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा ना वो कितना हो जाएगा, 30 सेव अपॉन गिव इनटू 100, यानी कितना हुआ, 300/, इसको काट लेते हैं 4 से 2, 4 से 25, ठीक है, यानी 75/2, यानी कितना आया, 37.5%, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं कि 100 रुपए की चीज है उसको वो सीपी पे तो कितना कमा रहा है, 10%, ठीक है। तो 100 की चीज देगा वो 110 में, उसने एसपी अपना डिफाइन कर लिया कि मैं 100 की चीज 110 में देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि वो चीज 80 की ही देता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 80 की चीज उसने कितने में बेच दी घुमा फिरा के, 110 में। यही हुआ ना कि 80 की चीज उसने घुमा फिरा के 110 में बेच दिया यहाँ पे। तो हमारे पास 30/80 × 100, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट। तो कितना बचा लिया घुमा फिरा के, 30, और दिया कितना, 80। तो सेव अपॉन गिव इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास हो जाएगा 37.5%। और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। ए डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट 20% लॉस। तो देखो पीछे तो क्या हो रहा था कि 100 की चीज थी वो 110 में बेच रहा था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सीपी पे तो उसको लॉस हो रहा है। ये सेकंड केस आ गया हमारे पास, लॉस हो रहा है। तो 100 की चीज उसने बोल दिया कि मैं कितने में बेचूंगा, मैं बेचूंगा 80 में, लेकिन क्या करता है कि वो 720 ग्राम देता है 1 kg की जगह। तो यानी 1000 की चीज 1000 के बजाय 720 ग्राम देता है, यानी 28% कम देता है। यानी वो यह 100 की मान लिया हमने, 1000 ग्राम आई तो 72 की आ जाएगी ना, 720 ग्राम। तो 100 की जगह वो चीज कितने की देता है, 72 की। तो पिछला ही केस हमारे पास आ गया कि वो घुमा फिरा के क्या कर रहा है कि 72 की चीज को ही वो, देखो यहाँ पे हमने जो किया वो किया क्वांटिटी में गड़बड़, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लिखते हैं वो क्या है, जो सीपी पे जो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे या हानि खा रहे हैं जो भी है उसको हम लिखते हैं, यानी यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने शुरू में एसपी को डिफाइन कर दिया कि मैं इस चीज को 80 में बेचने वाला हूं, लेकिन बेचते टाइम क्या किया कि वेट ही कम दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि उसने चीज तो 72 रुपए की ही दी, तो अब 72 रुपए की चीज उसने घुमा फिरा के क्या किया, 80 में बेच दी। तो यानी कितना बचा लिया, 8 किस पे, 72। तो प्रॉफिट परसेंट जैसे पीछे क्या था, सेव अपॉन गिव, ठीक है, इंटू 100। तो सेव कितना, 8/72 × 100, यानी 100/9%, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
तो उसमें प्रॉफिट था तो 100 की चीज 110 में थे, इसमें आनी थी। ठीक है, तो घुमा फिरा के हमारे पास क्या आ जाता है कि क्वांटिटी में गड़बड़ की वजह से 72 की चीज ही उसने 80 में दे दी। ठीक है, तो उसने 8 बचा लिए 72 की चीज पे। ठीक है, वो ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए डिसोनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास थर्ड केस आ गया कि कॉस्ट प्राइस को पे ही उस चीज को बेच रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे वो कोई फायदा नहीं ले रहा। तो यानी 100 की चीज वो 100 में ही बेचने का फैसला करता है। ठीक है, बट यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ केजी, यानी 1 किलो की जगह वो क्या करता है 950 ग्राम देता है। तो यानी 100 रुपए में 1,000 ग्राम आती थी, तो 950 ग्राम कितने में आएगी, 95 में। यानी घुमा फिरा के हमारे पास बात क्या आई कि उसने 100 की बजाय चीज कितने की दे दी, 95 की दे दी। तो देखो थर्ड केस हमारे पास ये हो गया कि 100 की चीज बेच दी उसने 100 में ही। ठीक है, लेकिन उसने क्वांटिटी में गड़बड़ करके क्या किया कि 95 रुपए की चीज दी। तो उसने क्या किया कि अब 95 रुपए की चीज को ही 100 में बेच दिया, यही उसने क्या की, बेईमानी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 5 का प्रॉफिट किस पे, सेव अपॉन गिव। तो सेव कितना 5, गिव कितना 95 × 100, यानी 100/19%, यानी 5/5/19%। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास तीनों केसेस थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ए डिसोनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। तो ये जैसा कि पीछे किया था कि 100 की चीज कितने में दे रहा है वो, 100 में ही। ठीक है, बट यूजेस 875 इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो यानी दे कितने की चीज रहा है वो, 87.5 की। देखो 100 रुपए में 1,000 ग्राम, तो 875 ग्राम कितने की, 87.5 की। तो ऐसा करके उसने बचाया कितना, कितना बचाया 12.5। ठीक है, किस पे, इस पे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया हमारे पास, 12.5/87.5 × 100। तो 25 से काट दो, 25 5, तो 25 × 75, 25 5, 5 से 7, तो यानी 100/7%, यानी 14/2/7% हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया हमारे पास, लाभ प्रतिशत 14/2/7%। ठीक है, तो यहां भी घुमा फिरा के क्या हुआ कि उसने 87.5 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी उसको। ठीक है, किस क्या करके, 1 किलो की बजाय 875 ग्राम बेच के। ठीक है, तो क्वांटिटी में गड़बड़ करके वो काफी कमा लेता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं आपको जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं, और अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे डिसऑनेस्टी के कुछ और क्वेश्चंस को, और आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स के साथ। और सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस इफ यू लाइक आवर वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।